मेरी थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी सक्षम है, हमारी कम्युनिटी मेहनती है, हमारी कम्युनिटी खुद काम करती है और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन माध्यम बनाया, लोगों तक हमारी बात पहुंचाई, वो काफ़ी है हमारी तरफ से। बट एट द सेम टाइम किसी को चाहिए तो आई एम नो वन टू स्टॉप समबडी फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट और टेकिंग फ्रॉम अग्निहोत्री। बट एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल अग्निहोत्री जी का इंटेक है, मतलब वो क्या दें क्या नहीं दें क्या बोले, जिसको कहते हैं ना हीलिंग। हम कश्मीरी पंडित अभी हील ही नहीं हो गए हैं। एक कम्युनिटी को जो पलायन होती हैं, जिनके साथ जिनोसाइड होता है, जिनके साथ त्रासदी ऐसी हो रही है, जिनका घर गृहस्थी कूचा सब छिन जाया जाता है, उनको हीलिंग करनी ज़रूरी है, उनको रोना ज़रूरी है। हम लोग जब चले गए, हम लोग काम जॉब घर गृहस्थी लाइवलीहुड उसमें जुड़े कि हम खुद को कैसे एस्टेब्लिश करें। वी हैव नॉट बीन एबल टू हील, वी हैव नॉट बीन एबल टू क्राई, हमने रोया नहीं है। कश्मीर फाइल्स ने हमें रुलाया, अरे दे दो ना मैडम, दे दो ना कश्मीर उन्हीं को, क्या प्रॉब्लम है। मतलब हमारे लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं है। अगर आपको कोई एक कमरा मांगेगा तो क्या आप अपना घर का एक कमरा देते हो? आप लगभग कई लाख स्क्वायर किलोमीटर कह रहे हो कि दे दो ना आप इनको। तो थोड़ा सा चुभन होती थी कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि घर गृहस्थी ट्रेडिशन कल्चर छोड़ना क्या होता है और ये कैसे चुभता है। ये आप सिर्फ घर नहीं छोड़ते हो, एक किचन नहीं छोड़ते हो, आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर पूरा वो खत्म हो जाता है जब इंसान पलायन करता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा मनोरमा बख्शी। तो मैम कहाँ से आए आप? मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नोएडा में रहती हूँ। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से कश्मीर में हिंदू पंडितों के हालात हैं उसको लेकर जो है सरकारें हमेशा से बहुत साथ में दिखी हैं, उनके लोग दर्द का जो है दास्तानों की बयां करती है, कश्मीर फाइल जो है उसने दर्द बयां किया कश्मीरी पंडितों का, फिर क्या कुछ समस्या आ गई कि आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा और लोगों को पलायन करना पड़ा? पलायन इसलिए करना पड़ा क्योंकि पलायन हमने सबसे पहले किया, ये हमारा पहला पलायन नहीं है। पलायन कश्मीर पंडितों की तकदीर ही है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया जब लगभग 4.5-5 लाख लोग इकट्ठे पलायन कर चुके, और उससे पहले भी 1300 ईस्वी से कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे। जब सिकंदर बुदशक ने उन पे बहुत अत्याचार किए थे तब भी उन्होंने पलायन किया था, उसके बाद भी पलायन कश्मीरी पंडितों का हो गया। बट 1990 में हमारा सफाया हो गया था, मतलब लगभग सारे कश्मीरी पंडित चले गए थे। फिर उसके बाद उसके कुछ समय बाद कि इन 2012 मनमोहन सिंह जी जो हैं उन्होंने बोला था कि कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ जॉब्स दी। इट वॉज नॉट ए प्लान्ड वे, जो एक प्लान्ड वे में होता है कि भैया हम इनके लिए जॉब्स करेंगे। आपने कुछ हज़ार नौकरियां निकाली, उसमें से कुछ अराउंड 1200 पहली इसमें गए वहाँ नौकरी करने के लिए। नौकरियां भी नॉट एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, बट आपने नौकरियां उनको दी, वो लोग वहाँ पे गए, बट आपने प्रॉपर हैबिलिटेशन नहीं रखा, आपने उनके लिए सिक्योरिटी नहीं रखी, आपने उनके क्वार्टर ठीक नहीं रखे। एक एक कमरे में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, एक एक कमरे में मतलब वहीं पे टॉयलेट, वहीं पे रहना, वैसे करना, अपनी लाइवलीहुड के लिए उन्होंने गए। जिस तरीके से कश्मीरी फाइल आई है, कश्मीर फाइल ने आपके मरहम का काम किया है, ऐसा जो है सभी नेता लोग बता रहे हैं, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं वो बता रहे हैं, और जो लगातार हिंदू राष्ट्रवादी हैं जो सर्वोपरि बोलते हैं अपने आप को तो वो बता रहे हैं, तो मरहम का काम तो कश्मीर फाइल ने किया है, फिर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे आना पड़ा? मुझे नहीं लगता मरहम का काम है, बट हाँ उन्होंने एक रियलिटी दर्शाई जो हमारे साथ 1990 में हुआ था वो दर्शाया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पहले काम करती थी तो पूरे हिंदुस्तान का मतलब भ्रमण होता था, मॉनिटरिंग करती थी। जब मैं कहीं नागालैंड जाती थी, अरुणाचल जाती थी या नॉर्थ साउथ में जाती थी, लोग मुझे पूछते थे अरे दे दो ना मैडम, दे दो ना कश्मीर उन्हीं को, क्या प्रॉब्लम है। मतलब हमारे लोगों को इतनी जागरूकता भी नहीं है। अगर आपको कोई एक कमरा मांगेगा तो क्या आप अपना घर का एक कमरा देते हो?
आप लगभग कई लाख स्क्वायर किलोमीटर कह रहे हो कि दे दो ना आप इनको, तो थोड़ा सा चुभन होती थी कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि घर गृहस्थी ट्रेडिशन कल्चर छोड़ना क्या होता है और ये कैसे चुभता है। ये आप सिर्फ घर नहीं छोड़ते हो, एक किचन नहीं छोड़ते हो, आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर पूरा वो ख़त्म हो जाता है जब इंसान पलायन करता है। तो अपनी देश में रिफ्यूजी रह के हम रह रहे हैं, कश्मीर फाइल्स ने यही दर्शाया कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इसके लिए हम अग्निहोत्री जी का डेफिनेटली कहते हैं कि आज तक लोगों ने हमारी व्याथा नहीं सुनी थी, अब सुन रहे हैं, तो वी वेर हैप्पी अबाउट दैट। बट सेइंग सो, पोस्ट आर्टिकल एब्रोगेशन एंड पोस्ट जो अभी यासीन मलिक का ये हो गया कि उसको मतलब बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, कुछ जो मिलिटेंट्स हैं, कुछ जो टेररिस्ट हैं, उनको लग रहा है कि अब उनके शिकंजे में गवर्नमेंट थोड़ा टाइटन हो रही है, तो वो ये मौतें, ये आए दिन मौतें कश्मीरी पंडित्स की हो रही है, वो हमें सड़कों पे मजबूर कर लिया बाहर आने के लिए। इस वजह से हम बाहर हैं क्योंकि सरकार चूक गई। सरकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सरकार हमें दे देती है सिक्योरिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा नहीं मिल रहा है वो हमारी चिंता का विषय है। हमारे गिने चुने भाई हैं वो मर रहे हैं वहाँ पे, वो हमारी चिंता का विषय है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन मुद्दों पे हम यहाँ आज आ गए हैं और हम स्पष्ट तौर पे सरकार से कहना चाहते हैं कि ये आपका दायित्व है। आपने देखना है कि मेरे भाई बहन कैसे सुरक्षित वहाँ पे रहेंगे, आपने देखना है कि जिन लोगों को, जिन मिलिटेंट्स को शाही मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है और क्यों मिल रही है, और उसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक आपने पाकिस्तान में किया, सर्जिकल स्ट्राइक आप उनके घरों में कर दीजिए जो इनको पना दे रहे हैं, जो मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, वो अब सरकार की जिम्मेवारी है, वो हम कहने के लिए यहाँ आए हैं। जिस तरीके से एक तरफा जो बोला, मतलब एक तरफा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी है मरहम का काम किया, कुछ लोगों का कहना है द कश्मीर फाइल ने फिर से जो है कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर कर दिया है और फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगा है, फिर से मंदिर मस्जिद होने लगा है। क्या वाकई में उस फिल्म ने उकसाने का काम किया है? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़, और अगर उकसाने थोड़े लोग ज़्यादा अवेकन हो गए हैं, क्योंकि पीपल वर एक्चुअली इन स्लम्बर, When somebody is in slumber, सोया हुआ है, हिंदू तो सोया हुआ ही था ना, हिंदुस्तान का हिंदू तो सोया ही हुआ था, उसको ये नहीं दिखा कि 500 लोग पलायन हो गए। आपको NRC दिख रहा है चंद लोगों को, आपको ये नहीं दिख रहा है कि 5 लाख लोग पलायन हो गए, उनका ना घर है, ना गृहस्थी है, ना किचन है, ना चुक्का है, कुछ भी नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स ने उसको लाया, वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ना हीलिंग। हम कश्मीरी पंडित अभी हील ही नहीं हो गए हैं। एक कम्युनिटी को जो पलायन होती हैं, जिनके साथ जिनोसाइड होता है, जिनके साथ त्रासदी ऐसी हो रही है, जिनका घर गृहस्थी कूचा सब छिन जाया जाता, उनको हीलिंग करनी ज़रूरी है, उनको रोना ज़रूरी है। हम लोग जब चले गए, हम लोग काम, जॉब, घर गृहस्थी, लाइवलीहुड उसमें जुड़े, कि हम खुद को कैसे एस्टेब्लिश करें। वी हैव नॉट बीन एबल टू हील, वी हैव नॉट बीन एबल टू क्राई, हमने रोया नहीं है, कश्मीर फाइल्स ने हमें रुलाया। हमारे भाई बहन उसमें एक तरफा लोगों का ही दिखाया कि जेनोसाइड हुआ है, यानी कि हिंदू जो थे पंडित उनका हुआ है। क्या मुस्लिमों के साथ भी हुआ था? मैम ऐसा कुछ मैं जानना, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक तरफा दिखाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी को शाही दोगे, अगर आप घर में सांप पालोगे तो सांप तो आपको डसेगा ही डसेगा, अगर आप अजगर को पालोगे वो तो आपको खा ही लेगा ना। उन लोगों ने फ़र्क उनकी और हमारी बीच सिर्फ इतनी है कि उन्होंने उनको शाही दी, उन्होंने उनको लॉजिस्टिक्स दिया, उन्होंने उनको घर में पनाह दी, उन्होंने उनको अपनी औरतें दी, उन्होंने क्या नहीं दिया मिलिटेंट्स को, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। किन लोगों ने? हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई, उसमें से गिने चुने लिबरल हो सकते हैं, गिने चुने ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी वॉइस की, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, उनको मौत के घाट उठाया। 90% ऑफ देम गेव देम शेल्टर, 90% ऑफ गेव देम प्रोविजन, 90% ऑफ मुस्लिम्स गेव देम प्लेस टू स्टे, लॉजिस्टिक्स। तो आप अगर ऐसा करोगे तो वो तो आपको डसेगा ही। आप बाहर आके नहीं कहते हो कि ये मेरी बहन या मेरी माँ के साथ इसने कुछ किया,
वो आपकी मजबूरी है, बट कल या परसों अगर आप वो नहीं मानोगे, उनके डिक्टेट्स नहीं मानोगे, वो तो आपको मारेंगे। एक सवाल मेरा ये भी है, पूछना मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि इस फिल्म से आया हुआ एक एक पैसा, एक एक पाई जो है कश्मीरी पंडितों के हित में लगेगी, तो क्या वो हित में लगी है वाकई में? अगर हित में लगी है तो फिर वहाँ से लोगों का पलायन क्यों हो रहा है? वो तो अग्निहोत्री जी ही बता सकते हैं, और मैं एज एन इंडिविजुअल कश्मीरी कौम, ऐसी कम्युनिटी है हमारी कि हमने कभी किसी से कुछ पैसा लिया नहीं, हमने खुद अपने आप को एस्टेब्लिश किया, मेहनती कम्युनिटी है, पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है। कश्मीर से पलायन जब हुआ, हमने काम भी किया है, जॉब्स भी किए हैं और खुद को खड़ा भी किया है। तो कश्मीरी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि ये नहीं है कि अग्निहोत्री जी ने कुछ चंद करोड़ कमाए और हम एक्सपेक्ट, उन्होंने जो काम किया है कि लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाई, वो काफ़ी है हमारे लिए। रही बात कि वो हमें कुछ दे देंगे या दिया या नहीं दे दिया, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। वो अग्निहोत्री जी बता सकते हैं कि उन्होंने किसको क्या दिया, मतलब नहीं किया गया एक एक पाई जिस तरीके से हमें कोई नहीं, आप लोग नहीं लेना चाहते, मगर आप उन्होंने जब कहा कि वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए, और तब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं चाहता हूँ अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूँ और उनके मदद की जो है इस तरीके से, मैं एक छोटी सी अपनी तरफ से करना। मदद मेरे हिसाब से कई ढंग से होती है। मैं एक सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, मैं मदद सिर्फ आर्थिक तौर पे नहीं देखती हूँ, मदद कई और तरह से भी, अगर उन्होंने कम्युनिकेशन पहुँचाया, अगर वो हमारे वॉइस बनेंगे, अगर वो कई मुद्दों पे हमारे बारे में बात करेंगे, वो भी एक सपोर्ट है। बाकी उन्होंने क्या दिया या किसी को देना चाहती है या कोई उनसे हेल्प लेना चाहिए, वो इंडिविजुअल है। अगर मेरा कोई भाई बहन, कोई कम्युनिटी, कोई चाहता है उनसे हेल्प लेना, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो उनका इंडिविजुअल टेक है। इस तरीके का कहीं पे भी बयान नहीं आया कि वाकई में उन्होंने लगाया, यानी कि फिर वर्ष करोड़ों कमाई की है यानी उस पिक्चर से। अब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउ डज दैट मेक डिफरेंस? अगर आप एक डायरेक्टर हैं, आप कोई फिल्म बनाते हैं, आप तो प्रॉफिट करेंगे ही ना। आप शैंडलियर्स लिस्ट बनाया, किसी ने उससे नहीं पूछा भैया तुमने ज्यूस को कितना पैसा दे दिया कि नहीं दे दिया, फिल्म को बताया गया राष्ट्रहित में बताया गया, वो भी तो किसी के हित में ही थी ना, ज्यूस कम्युनिटी के हित में थी, तभी तो जागरूकता होगी, तभी तो इतने सारे अवार्ड्स उस फिल्म ने ले लिए, इतने ऑस्कर्स ले, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट नोबडी क्वेश्चन्ड हिम। इट्स नॉट दैट आई एम फेवरिंग अग्निहोत्री, और इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पंडित भाई उनसे फेवर ले, लेकिन ये मेरा विचार है, मेरी थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी सक्षम है, हमारी कम्युनिटी मेहनती है, हमारी कम्युनिटी खुद काम करती है, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन माध्यम बनाया, लोगों तक हमारी बात पहुंचाई, वो काफ़ी है हमारी तरफ से, बट एट द सेम टाइम किसी को चाहिए तो आई एम नो वन टू स्टॉप समबडी फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट और टेकिंग फ्रॉम अग्निहोत्री, बट एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल अग्निहोत्री जी का इंटेक है, मतलब वो क्या दें क्या नहीं दें, क्या बोले, कितना वो सच बोल रहे, दैट इज हिज इंटेक, डजंट मेक डिफरेंस। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से अनुपम खैर इतने सारे चैनल्स पे आए, इंटरव्यू दिया, भावुक हुए, रोए कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ और मैं अपने कश्मीरी भाइयों का दुख दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अब वो कहीं गोलमोल होते हुए नज़र आ रहे, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, लगातार 18 दिन से जो है कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके का हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लगातार कश्मीरी पंडितों के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, पलायन हो रहा है, पर अनुपम खैर जी अब कहीं नहीं दिख रहे, कहीं ट्वीट नहीं दिख रहा है उनका, तो क्या कुछ मतलब ये मतलब एजेंडा चलाया गया था मैम कश्मीर फाइल से पैसा बटोरने का? एज सच लाइक आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीबडी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन अनुपम खेर और एनीबडी एल्स, आई कैन कमेंट ऑन माई सेल्फ, आई कैन कमेंट ऑन, बट यस हो सकता है ही मे हैव सम प्रॉब्लम, अगर एज अ लीडर, एज अ कम्युनिटी पर्सन, एज हु हैज बीन सो मच वोकल एंड वॉइस, आई कैन ओनली से दैट ही शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि कई वॉइसेस होती हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो अगर आज तक उन्होंने नहीं बोला तो ही शुड कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट हिज कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट पुट हिम बिहाइंड द बार एंड से कि भैया वो आगे नहीं है, ही मे हैव हिज ओन कंपल्शंस, हो सकता है बीमार है, हो सकता है कुछ और हो सकता, तो वी कैन नॉट से दैट। मगर मैम ट्वीट तो किया जा सकता है, एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, और लगातार उस टाइम पे इतना ट्वीट कर रहे थे, प्रोबेबली अगर वो आपका ये देखेंगे या सुनेंगे
तो आपके माध्यम से मैं बोलूँगी उनको, अनुपम खेर जी, जस्ट डू अ ट्वीट एंड बी आवर वॉइस. वी नीड पीपल लाइक यू. वी नीड यू टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट अवर ब्रदरन इन कश्मीर हु हैव बीन टॉर्चर्ड, हु आर कॉर्नर्ड, हु आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ पुट अगेंस्ट द वॉल एंड जो अभी पलायन कर रहे हैं. जस्ट लुक इन टू दैट. थैंक यू सो मच मैम. देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर कश्मीरी पंडित के दुख दर्द की दास्तान जो है लगातार जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही दिखा रहा है, और लगातार यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ मौजूद है और लगातार उनके दर्द के लिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं. जिस तरीके से उनका पलायन हो रहा है, जिस तरीके से वो लोग वहाँ से अपना सामान लेकर अपने पलायन कर रहे हैं, जो उनके बच्चे थे कश्मीरी पंडितों के बच्चे थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन मीडिया जो है नेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, लगातार वहाँ पर यूक्रेन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद चल रहा है, लगातार वहाँ पर ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दुख के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है. वही अनुपम खेर जो ट्वीट करते थे, वही विवेक अग्निहोत्री जी द कश्मीर फाइल बनाते थे, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं. यानी कि ये सब खेल था ऐसा लोगों का कहना भी है, और मैं जानना भी चाहती थी तो मैम से भी वही मैंने जाना, लेकिन आपने सुन ही लिया. और आप देखते रहिए जब तक जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ पूजा दिल्ली.